क्या आप जानते हैं जिस तरीके से समंदर की लहरें कभी स्थिर नहीं होती हैं, उसी तरीके से हमारे इमोशन भी कभी स्थिर नहीं होते हैं। जिस तरीके से समंदर की लहरें कंटिन्यू फ्लैक्चुएट होती रहती हैं, उसी तरीके से हमारे इमोशन भी कंटिन्यू फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। हाय गाइज, यू आर वॉचिंग दिस टाइम सुपर फिलॉसफी। आई एम योर फ्रेंड आरजे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हाउ टू डेवलप स्ट्रांग इमोशन। क्या आप जानते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इमोशनल पर्सन एंड इमोशनली स्ट्रांग पर्सन में। इमोशनल पर्सन अपने इमोशन को राइट वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जबकि इमोशनली स्ट्रांग पर्सन अपने इमोशन को राइट वे में एक्सप्रेस करना जानते हैं। इमोशनल पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जबकि इमोशनली स्ट्रांग पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं। इमोशनल पर्सन अपने इमोशन को राइट वे में मैनेज नहीं कर पाते हैं, जबकि इमोशनली स्ट्रांग पर्सन अपने इमोशन को राइट वे में मैनेज करना जानते हैं। इमोशनल पर्सन के पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वह सोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्वर ओरिएंटेड बन जाते हैं। अगर आप वाकई में इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस इमोशन। आपको अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना होगा। लोगों को यही लगता है जब वह अपने इमोशन को सप्रेस कर लेते हैं तो वह इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन यह गलत है। वह इमोशनल लेवल पर वीक हो रहे होते हैं, क्योंकि वह अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं। और जब हम अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं तो हम इमोशनल लेवल पर वीक होते चले जाते हैं। हकीकत यही है। सेकंड लेवल पे जो आपको काम करना है, आइडेंटिफाई बेटर वे टू एक्सप्रेस इमोशन। अपने इमोशन को बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करने की पहचान करनी होगी। कैसे आप जान पाएंगे कि हमारे इमोशन राइट वे में एक्सप्रेस हो रहे हैं या रॉन्ग वे में वो एक्सप्रेस हो रहे हैं? इसके लिए आप अपने आप को ऑब्जर्वर के रूप में रख के देखिए। जब आप अपने आप को ऑब्जर्वर के रूप में रख के देखेंगे तो आपको खुद दिखने लगेगा कि आपके इमोशन राइट वे में एक्सप्रेस हो रहे हैं या रॉन्ग वे में एक्सप्रेस हो रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे जो आपको काम करना है, स्टॉप ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग। जब आप किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम करना और कंप्लेन करना बंद कर देते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगते हैं, और जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगते हैं तो आपको यह फील होने लगेगा कि आप इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग हो रहे हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए आपको अपने लाइफ के पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट रखने होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने लाइफ के ब्लेसिंग पे फोकस करिए, और जब आप अपने लाइफ के ब्लेसिंग में फोकस करेंगे तो आप इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग फील करेंगे। इसके साथ साथ आपको इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने फिजिकल लेवल पर भी केयर करिए। आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर नींद पूरी होनी चाहिए, आपका हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर होना चाहिए, और आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, जैसे कुछ एक्सरसाइज करिए। क्योंकि जब आप फिजिकल लेवल पर भी लो फील करते हैं तो आप इमोशनल लेवल पर भी लो फील करते हैं, और जब आप फिजिकल लेवल पर भी हाई एनर्जी फील करते हैं तो आप इमोशनल लेवल पर भी आप हाई एनर्जी फील करते हैं। हाय गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं आपका दोस्त आरजे।